आपका करीमनगर का एमएलए गंगुला कमलाकर, गंगुला कमलाकर 34 एकड़ ईदगाह खतीब इनाम की जगह पे कब्जा करके उस पर जो सो मॉडिगेज करके 4 करोड़ रुपए लोन लिए। हम जीवन रेड्डी एमएलए साहब से असेंबली में जब क्वेश्चन रेस करे तो सीएम साहब बोले कोई भी वक्त का बड़ा मिनिस्टर हों दो कलेक्टर हों दो मैं वापस दिलाता हूँ बोले। आज आप 10 साल हो रहे, 10 साल में कई लेटर्स वक्फ बोर्ड से आए, माइनॉरिटी कमीशन से आए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आए। ख़ास बात क्या है, वक्फ बोर्ड के साबिका में हर डिस्ट्रिक्ट को एक सदर रहा करता था, एक भी अब तेलंगाना में सदर नहीं है। GO3 के तहत जो है सो उसको जो है सो कलेक्टर, ज़िले कलेक्टर को जो है सो उसका सदर बनाए, और कन्वीनर जो है सो DMW, CP को जो है सो मेंबर, और जितने ऑफिसर्स हैं उनको मेंबर। GO4 के तहत उनको क्या इख्तियारात है, अगर कोई भी अवकाफ की जगह गजिट में रहने के बाद कोई भी उसको फेक डॉक्यूमेंट अगर बनाए तो कलेक्टर को चाहिए कि उसको जो है सो कैंसिल करे, ORC पट्टा अदर देन रजिस्ट्रेशन कुछ भी रहें दो कैंसिल करने का। मैं करीमनगर के कलेक्टर जो इतने ट्रांसफ़र्स हुए हर एक से नुमाइंदगी करने के बाद भी GO4 निकालने का मतलब क्या रहा, माइनॉरिटी कमीशन से तो स्ट्रिक्टली वार्निंग आ गई। ये पूरे कानून मालूम होते हुए गंगुला कमलाकर साहब ने जानबूझ के वक्फ बोर्ड की जगह फेक डॉक्यूमेंट से पानी में चढ़ा लेते हुए ORC लेकर मॉडिगेज कर लेकर लोन लिए उस पर, फिर खुद 14 में कोर्ट को गए, किसी को नहीं मालूम, उसको नोटिस भी नहीं गई। 2019 में शेषांक का कलेक्टर जब थे उनको एक लेटर दिए गंगुला कमलाकर साहब, ये मैं जगह खरीदा हूँ, इसको जो सो पानी में इंदराज करना है धरणी में, इसको अगर बोले तो शेषांक का कलेक्टर पूरा लिख दिए कि वक्फ की जगह है नहीं कर सकते। तो तारीख में एक मिनिस्टर होते हुए हुकूमत के खिलाफ में मुकदमा दायर किया, तो आज कैंसिलेशन के लेटर्स भी आ गए। मदीना कॉम्प्लेक्स बल्कि यहाँ पे कांग्रेस के दौर में एक मुश्ताक हुसैन चुन्नू साहब ने एक 25-26 मलियाँ बनाए, किसी वजह से 2014 में इसकी कमेटी तहलील हुई, 2014 से अब तक ना कोर्ट में है ना उसके ऊपर कमेटी बनाए। 8 करोड़ रुपए किराएदार किराया बाकी है, इसके जिम्मेदार गंगुला कमलाकर है, और 60,57,000 रुपये जो बैंक में अकाउंट सीज था वो पैसे भी जो है सो KCR और CO वक्फ बोर्ड ले गए। 14 एकड़ जो है सो रजिस्ट्रेशन करे, बाकी की 20 एकड़ जो है सो मॉडिगेज करके अपेक्स बैंक से लोन लिए, जबकि जुमला जो है सो 55 एकड़ 24 घंटे जगह है। अभी बाकी के भी दूसरे कब्जे में हैं मगर डॉक्यूमेंट नहीं बनाए। हाँ, टार्चर तो करे, मेरे बिजनेस पे करे, मेरे पर्सनल करे, मेरे ऊपर जो सो एक दिन नॉन अवेलेबल केस करे, और 7 केस हैं मेरे ऊपर जो है सो फर्जी केस हैं जो इससे ताल्लुक़ नहीं है, और मेरे ऊपर 2 खत इज्जत दावा भी डाले, मगर मैं उसको नहीं होता। वक्फ प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी रहती, देने वाला वक्फ़ करने वाला जब वक्फ़ कर देता है तो प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की हो जाती है, उसके निगरानी करना, इस वास्ते आपको एक चेयरमैन बना के, एक मेंबर्स बना के उसका निगरानी करने के वास्ते आपको कार दे के, पैसे दे के, तनख्वाह दे के आपको जब बिठाते तो आप जिम्मेदारी से जो सो बिल्कुल कोई काम नहीं करे, अटरली फेल है।